सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की हेल्प से कुछ इस टाइप की क्रिएटिव सी एडिटिंग, जो कि आप लोग देख सकते हो। आज की एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी होने वाली है। सो अगर आप लोग भी अपना फोटो सेम टू सेम इस टाइप का एडिट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखते रहना। एंड हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में जो भी आप लोग को एप्लीकेशन की जरूरत होगी उनका लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लोग जा करके ईजिली डाउनलोड कर लेना, और बाकी जो भी एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं उन सभी को मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। सो आप लोग जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो, एंड इंस्टाग्राम पर आप लोग को हाईलाइट में मिल जाएगी ऐप्स के लिंक। तो जल्दी से जाओ और आप लोग चेकआउट कर लो। तो अभी हम लोग बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने लाइटरूम ऐप के अंदर। तो लाइटरूम ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लोग जा करके ईजिली डाउनलोड कर लो। तो अभी हम लोग ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन को। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने नॉर्मल फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लिया है, एंड आप लोग भी अपने फोटो को इंपोर्ट कर लेना। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को राइट साइड में एक सन का टूल मिलता है, तो ये वाला टूल आप लोग को मिल जाता है। इस वाले टूल पर जा करके आप लोग को कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सन वाले टूल के अंदर। और जैसे ऐसे आप लोग सन वाले टूल पे आ जाओ, तो आने के बाद आप लोग को सेकेंड वाला जो कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है उसको इंक्रीज़ कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस आप लोग को इसके हाईलाइट को कम कर लेना है, एंड बाकी आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर लेना। एंड आप लोग को जो शेडो मिलता है शेडो को आप लोग को इंक्रीज़ कर लेना है, जिससे कि आप लोग की बॉडी पार्ट जो वाइट हो जाएंगे ब्लैक है। तो इसके बाद हम लोग को टेम्परेचर वाले आइकन पर जाना है और अपनी फोटो का टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज़ कर लेना है। एंड इसके इंक्रीज करने के बाद सबसे पहले चलना है ऊपर की साइड में मिक्स का टूल मिलता है उसमें, और जैसे ही आप लोग जाओगे उससे पहले आप लोग को इसके विविडेंस को भी इंक्रीज़ कर लेना है, जिससे कि अपने सभी कलर्स पॉपअप होकर बाहर निकलेंगे। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे मिक्स वाले टूल में, और सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट कलर मिलता है जो कि अपने लिप्स का कलर होता है। तो सबसे पहले इस वाले कलर की हम लोग सेचुरेशन को हल्का सा कम कर लेंगे, एंड बाकी आप लोग अपने लिप्स के अकॉर्डिंग देख लेना। एंड इसके बाद आप लोग को सेकंड वाले कलर मिलता है जो कि हमारा स्किन का कलर होता है। तो इस वाले कलर की हम लोग सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, एंड ह्यू को हम लोग को हल्का सा माइनस साइड में रखेंगे, जिससे कि हमारी स्किन ऑरेंज कलर में हो। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट जो ग्रीन कलर मिलता है जो कि अपना बैकग्राउंड का कलर है उसको सिलेक्ट करना है, एंड इसकी जो ह्यू होगी इसको 100% तक डिक्रीज करना है। एंड इसके बाद इसकी सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग को इसके जो सेकंड थर्ड वाला कलर है जो कि येलो कलर है उस कलर की ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने मतलब जो बैकग्राउंड है वो येलो टूल में आ चुका है। तो अभी हम लोग बाकी जो भी कलर्स हैं उन सभी की सेचुरेशन कम कर लेंगे, बट जो हमारा ये कपड़ों का कलर है उसकी सेचुरेशन को हम लोग हल्का सा कम करेंगे, एंड बाकी जो भी एक्स्ट्रा कलर्स रहते हैं उन सभी की सेचुरेशन को 100% तक डिक्रीज कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको कर लिया है। ओके, तो इतना करने के बाद इसको करना है डन, और डन होने के बाद अभी इफेक्ट के टूल में जाना है जो कि हमारा नेक्स्ट का टूल मिलता है, जो कि आप लोग स्क्वायर टाइप में कुछ मिल जाता है उसमें आप लोग को जाकर के अपनी फोटो के क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है, और जो विग्नेट होगा उसको आप लोग को कम कर लेना है, जिससे कि अपनी फोटो के अंदर एक हल्की सी डार्कनेस आ जाए। और इसके बाद आप लोग को इस फोटो को कर लेना है गैलरी के अंदर सेव, और जैसे ही आप लोग इस फोटो गैलरी में सेव कर लो उसके बाद आप लोग को अपनी इसी फोटो को दोबारा से ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसको ऐड कर लेता हूँ दोबारा से। ओके सो गाइस, जैसे ही आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसे इस वाली फोटो को दोबारा से ऐड कर लिया है, एंड हम लोग दोबारा से जाएंगे टेम्परेचर वाले आइकन पर और ऊपर मिक्स वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर की ह्यू को बिल्कुल माइनस कर लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग येलो कलर की भी ह्यू को माइनस कर लेंगे बिल्कुल। एंड देन इसके बाद इसकी सेचुरेशन को हम लोग हल्का सा इंक्रीज साइड में रख लेंगे। एंड इतना करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट आगे एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। सो आप लोग को ये ऊपर की साइड में मिल जाएगा या फिर आप लोग को आगे मिल जाएगा। तो आप लोग को इसमें जा कर के यहाँ से आर्टिस्ट वाले फोल्डर को फाइंड आउट कर लेना है, एंड आर्टिस्ट के फोल्डर में जा कर के आप लोग को आर्टिस्ट 3 के नाम से एक प्रीसेट मिलता है, तो आप लोग को इस पर टैप करना है। तो आप लोग देख सकते हो इतना करने के बाद आप लोग की जो फोटो होगी वो एकदम बन करके रेडी हो चुकी है। तो हमारा यहाँ से लाइटरूम ऐप का काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इस फोटो को कर लेंगे गैलरी में से।
तो अभी हम लोग को ओपन करना है आफ्टर फोकस एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर आप लोग को उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर के मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड आप लोग को इंस्टाग्राम पर उस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, सो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो अभी हम लोग उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने आफ्टर फोकस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने इस वाली फोटो को भी इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो आप लोग अपने फोटो को इंपोर्ट कर लेना। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ से लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप लोग को सबसे टॉप में जो मिलता है फर्स्ट वाला, उसको सिलेक्ट करना है एंड सबसे पहले आप लोग को अपनी जो बॉडी है मॉडल की उस पर आप लोग एक रफली लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो आप लोगों को कैसे करनी है, सिंपली से अपने मॉडल की बॉडी पर आप लोगों को कुछ इस टाइप से लाइंस बना देनी है। तो आप लोगों को हल्के हल्के से रफली से आप लोगों को एक लाइन बना लेनी है अपने मॉडल की बॉडी पर, जो कि हम लोग बैकग्राउंड कटिंग करते हो उसी टाइप से आप लोगों को इसको कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट से यहाँ से लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ एंड आगे का प्रोसेस आप लोग को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हम लोगों ने सभी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है और अभी हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली से हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड पर इस वाली लाइंस को ड्रॉ करेंगे जो कि ब्लैक कलर का होगा। तो इससे आप लोग जैसे ही ड्रॉ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना मतलब कि जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग इसको भी अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं और आप लोग को भी अपनी फ़ोटो को भी अच्छे से इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड आप लोग अप्लाई कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ एंड आगे आप लोग को फिर से बताता हूँ क्या करना है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ से हम लोगों ने मॉडल को सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग को ऊपर की साइड में एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सो सिंपली से हम लोग को उस पर टैप करना है एंड इस पर आप लोगों को टैप करने के बाद नीचे की साइड में आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है ब्लर का, उसके ब्लर को आप लोग को सिलेक्ट करना है एंड इसका आप लोग को जितना ब्लर चाहिए उतना उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से करीब इतना रख लेता हूँ एक बार एंड देन आप लोग को जो नेक्स्ट वाला मतलब कि जो टूल मिलता है उस पर टैप करना है एंड जैसे ही गाइस आप लोग उस पर टैप करोगे आप लोग को नीचे और भी ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक बल्ब टाइप का मिल जाता है, तो आप लोग को उससे सिलेक्ट करना है एंड जैसे ही आप लोग इसके अमाउंट को इंक्रीज़ करोगे तो आप लोग का बैकग्राउंड देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बन चुका है। और इसी टाइप से आप लोग जितना अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज़ करना चाहो उतना आप लोग कर सकते हो एंड इसे इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से आप लोग को सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड आप लोग को अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। मैं अभी के लिए इस फोटो को सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फोटो को सेव करके रखा हुआ है। तो आप लोग को सेव कर लेना है इस फोटो को। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और अगर आप लोग को वीडियो जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।